टेस्ट में बेस्ट टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार से पूर्व चयनकर्ता संदीप पाटिल बेहद नाराज हैं। उन्होंने टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और मुख्य कोच रवि शास्त्री को जमकर खरी खोटी सुनाई है। रहाणे ने कीवियों के खिलाफ चार पारियों में 21.50 की औसत से केवल 91 रन ही बना पाए थे। रहाणे की इस पारी से पाटिल नाखुश हैं। न्यूजीलैंड की सरजमी पर भारतीय बल्लेबाजों का खुलकर नहीं खेलना पाटिल के लिए दुख भरा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बात करते हुए बताया कि कोई भी भारतीय बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों का सामना खुलकर नहीं कर पाए और टीम को हार मिली। उन्होंने कहा, एक बल्लेबाज असफल होने के चलते धीमी गति से खेलने का फैसला करता है। मैंने उनके बारे में सुना जब वह इस सीजन में मुंबई के लिए खेल रहे थे। ऐसी विफलता डर के कारण होता है। उन्होंने आगे कहा, रहाणे ने भारत का नेतृत्व किया है। विदेशी सरजमी पर उनका अच्छा रिकॉर्ड है। उन्हें टेस्ट खिलाड़ी के रूप में लेबल किया गया है। वह भारत की सीमित ओवरों की टीम से बाहर है। देखिए, मानव स्वभाव ऐसा है कि कोई खुद को टेस्ट विशेषज्ञ के रूप में साबित करना चाहता है, लेकिन वह खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। विश्व कप 1983 की विजेता टीम का हिस्सा रहे संदीप पाटिल का मानना है कि आप नंबर एक टीम हैं तो सभी परिस्थितियों में जीत हासिल करनी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने रवि शास्त्री को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, रहाणे अगर इस बात को नहीं समझते तो मुख्य कोच रवि शास्त्री और बल्लेबाजी कोच क्या कर रहे हैं। पाटिल ने आगे कहा, मुझे पता है कि टीमें हमारे खिलाफ संघर्ष करती हैं, लेकिन अगर आप दुनिया की नंबर वन टीम बनना चाहते हैं तो आपको सभी परिस्थितियों में सफल होना होगा। क्या हम घर पर केवल नंबर एक टीम बनने जा रहे हैं? बता दें कि विराट कोहली की कप्तानी में यह पहला मौका है जब भारत को टेस्ट में क्लीन स्वीप होना पड़ा। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।